झारखंड में चल रहे जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा के मद्देनजर हेमंत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 21 और 22 सितंबर को सुबह 8 बजे से दोपहर के 1:30 बजे तक यानी कि 5.5 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा बंद रखने का निर्देश जारी किया गया है। यह पहली बार होगा जब झारखंड में कोई आपराधिक घटना ना घटी हो, ना कोई हिंसा भड़की हो, ना ही वोटिंग चल रही हो, इसके बावजूद पूरे राज्य भर में इंटरनेट सेवा 2 दिनों के लिए बंद रहेगी। दरअसल जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के दौरान किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, इसे ध्यान में रखकर फैसला लिया गया है। अब जैसा कि आपको मालूम है कि झारखंड में जब कभी भी एग्जाम होता है, कोई ना कोई बाधा जरूर आती है। खासकर यहाँ पेपर लीक या फिर एग्जाम में गड़बड़ी एक बड़ी समस्या है। इसके लिए आज के समय में इंटरनेट का खूब इस्तेमाल होता है। वहीं कई बार एग्जाम में बाधा डालने के लिए जानबूझकर पेपर लीक की अफवाह भी फैलाई जाती है, जैसा कि हाल ही में जेपीएससी पीटी परीक्षा के दौरान हुआ। ऐसे में राज्य सरकार पर सवाल खड़े होने लगते हैं और विपक्षी दलों को मौका मिल जाता है। आए दिन परीक्षा में पेपर लीक की वजह से देश भर में झारखंड का नाम खराब हो रहा है। इन सब वजहों से हेमंत सरकार ने इंटरनेट सेवा को ही बंद करने का फैसला ले लिया। इससे संबंधित आदेश गृह कारा विभाग की प्रधान सचिव वंदना डाडेल की ओर से कल देर शाम को जारी किया गया। आदेश में साफ किया गया है कि सरकार को आशंका है कि असामाजिक तत्व या संगठित गिरोह सोशल मीडिया से अफवाह फैलाकर परीक्षा प्रक्रिया को अस्थिर करने की साजिश रच सकते हैं। पिछले उदाहरणों में यह देखा गया है कि कुछ कपट करने वाले व्यक्तियों ने इंटरनेट वाईफाई कनेक्टिविटी पर निर्भर विभिन्न एप्लीकेशंस जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप, एक्स, टेलीग्राम और यूट्यूब का इस्तेमाल करके अवैध कार्य किया है। इस पर लगाम कसने के लिए परीक्षा चलने तक राज्य भर के सभी मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर के इंटरनेट, डेटा और वाईफाई सेवाएं प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया गया है। हालांकि इस दौरान फिक्स्ड टेलीफोन लाइनों पर आधारित वॉइस कॉल और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी चालू रहेगी। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 और भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के तहत कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की है और सख्त चेतावनी भी दी है। इस संबंध में कल सीएम ने राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें उन्हें सख्त निर्देश दिए गए कि किसी भी प्रकार की लापरवाही ना बरती जाए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि किसी भी परिस्थिति में परीक्षा प्रक्रिया को प्रभावित करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये फैसला इसलिए भी इतना महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि कल पलामू से एक बड़ी खबर सामने आई। यहाँ पुलिस ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के मद्देनजर डाल्टनगंज के एक होटल में छापेमारी की, जहां से उन्होंने 90 लाख रुपए नकद बरामद किए हैं। पुलिस को शक है कि यह रकम परीक्षा में गड़बड़ी फैलाने के लिए लाई गई थी। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर नगर थाना क्षेत्र के पंचमुहान चौक स्थित होटल साई इन में छापेमारी की थी। इस दौरान बिहार के औरंगाबाद निवासी सदन यादव को हिरासत में लिया गया है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। कैश बरामद होने के बाद इनकम टैक्स विभाग को भी सूचित कर दिया गया है। आपको बता दें कि राज्य में जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा 21 और 22 सितंबर को सुबह 8:30 बजे से 5:30 बजे तक 3 पालियों में चलेगी। 2025 पदों पर निकली इस वैकेंसी के लिए राज्य भर में 823 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित कराई जा रही है। यहां सरकारी नौकरी की मारामारी को इस बात से भली भांति समझ सकते हैं कि 2025 पदों के लिए करीब 6,40,000 अभ्यर्थी परीक्षा में भाग ले रहे हैं। लेकिन इंटरनेट सेवा बंद कर देने भर से पेपर लीक नहीं होगी, इसकी गारंटी तो नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ हद तक कमी जरूर देखी जा सकती है, मगर इससे आम लोगों की परेशानियां जरूर बढ़ जाएंगी और बढ़ भी गई है। इससे सबसे ज्यादा नुकसान व्यापारियों को और दुकानदारों को होने की संभावना है।
शॉपिंग मॉल से लेकर चाय की दुकानों पर पेमेंट करने के लिए लोग गूगल पे या फोन पे जैसे ऑनलाइन पेमेंट ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं, जो कि 21 और 22 सितंबर को आधे आधे दिनों तक नहीं कर पाएंगे। न तो लोग आवाजाही के लिए ओला, उबर, रैपिडो जैसी ऑनलाइन सुविधा का लाभ उठा पाएंगे। वहीं ऑनलाइन सामान डिलीवरी पर भी इसका व्यापक असर पड़ेगा। पहले भी देखा गया है कि जब भी कहीं पर मोबाइल इंटरनेट बंद हो जाता है तो ग्राहकी घट जाती है। इसके अलावा दो दिनों तक छात्रों को भी बड़ी आफत झेलनी पड़ेगी। ज्यादातर छात्र खासकर गांवों में मोबाइल इंटरनेट का इस्तेमाल ही ऑनलाइन क्लासेस के लिए करते हैं। ऐसे में मोबाइल इंटरनेट बंद हो जाने से उनको परेशानी होगी और वे अपनी क्लासेस अटेंड नहीं कर पाएंगे। वैसे सरकार के इस फैसले पर आपकी क्या राय है और इंटरनेट बंद होने से आपको कैसी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़रूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारा एक और चैनल है द ग्राम सभा, उसे भी ज़रूर से फॉलो और सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।